हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो किस प्रकार बनवाना है आपको। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है दोस्तों, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों तो मेडिकल सर्टिफिकेट किस प्रकार बनाना है, इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लाए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कुछ ही देर में हम आपको बता देंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह बनवाना है, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे आपका। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो दोस्तों आप, इस प्रकार का आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है दोस्तों, इस प्रकार का आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा दोस्तों। ये मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों आपको मेडिकल स्टोर से परचेज कर लेना है या हॉस्पिटल से परचेज कर लेना है। दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल या मेडिकल से सर्टिफिकेट मेडिकल स्टोर से परचेज कर लेना है दोस्तों। मात्र ये इसकी प्राइस रहती है दोस्तों 10 या 15 रुपये, ठीक है ना। 10-15 रुपये प्राइस रहती है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं रहता है इसका। 10 या 15 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हो दोस्तों। और किसी के बहकावे में ना है कि हम आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा देंगे तो 1000 रुपये लगेंगे, 2000 लगेंगे, कुछ नहीं है दोस्तों। ये आपका बस मात्र 10 रुपये में काम हो जाएगा, 10 रुपये में काम हो जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट का। और मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, तो मेडिकल सर्टिफिकेट परचेज कर लेना है 10 रुपये का दोस्तों। और डॉक्टर के यहाँ जाना है आपको, जहाँ भी CSC PSC जहाँ भी हो, आपका सेंट्रल हेल्थ सेंटर हो, पब्लिक हेल्थ सेंटर हो, जहाँ भी जाना है दोस्तों, वहाँ डॉक्टर मेडिकल सर ऑफिसर होगा या डॉक्टर होगा, उनके पास में जाना है और बोलना है कि सर BSc नर्सिंग काउंसलिंग से हम कॉलेज में गए हैं तो हमारे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसको फिल कर दिए। तो दोस्तों डॉक्टर के पास जाओगे आप तो यहाँ पर देखो इस प्रकार ये डॉक्टर की फिल करेगा। आप यहाँ पर डॉक्टर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर कैंडिडेट का जो डॉक्टर का वर्क है उसका वर्क क्या है तो उसका नाम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नेम, हॉस्पिटल प्लेस, जहाँ हॉस्पिटल प्लेस का जगह है, और केयरफुली एग्जामिन है। यहाँ पर जो आप हो, जो कैंडिडेट है जिसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बन रहा है उसका साइन, उसके सिग्नेचर नाम आ जाएगा उसका, ठीक है ना। और यहाँ पर कैंडिडेट के पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार एक स्टूडेंट का है ये, तो हम बता रहे हैं आपको इस प्रकार, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, मार्क्स आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों इसमें क्या है, मार्क्स आइडेंटिफिकेशन, मोल ऑन राइट साइड चेक। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है दोस्तों, अपने बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी भी चेक करता है डॉक्टर, जैसे कि आपका आई विजन हो गया, वेट हो गया दोस्तों, और ब्लड प्रेशर हो गया। तो इस सारी चीज़ें आपकी जो डॉक्टर होता है वो चेक करता है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी चेक करता है। और इस प्रकार यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट में दोस्तों, और यहाँ पर उस डॉक्टर के सिग्नेचर हो जाएंगे, जो भी नर्सिंग ऑफिसर है यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा। इस प्रकार का एक तो इस प्रकार का होता है दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो इस प्रकार बनवाना है। और नेक्स्ट दोस्तों इस प्रकार का होता है एक, अगर अगले की बात करें हम तो इस प्रकार का होता है। दो मेडिकल सर्टिफिकेट बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको दोनों ही ले लेने, कोई दिक्कत नहीं है। एक हो तो एक ले लेना है, कोई सा भी ले सकते हो आप, फोटो वाला बिना फोटो वाला। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि सर काफ़ी टाइप के होते हैं मेडिकल वो, तो बट एक परचेज कर लेना है आपको। एक और दूसरे के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस, ये दूसरा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं जूम कर देता हूँ इसको। आई हैव एग्जामिन्ड श्री कुमारी कुमार, जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, किसके आपके पिताजी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। डॉटर किसकी, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपकी ईयर विलेज सारी आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, और जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट सारी चीज़ आ जाएंगी, और पिन कोड आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हो आप, दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग गिवन टू हिम फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन इन नर्सिंग ऑफिसर। इसमें कहने का मतलब ये है दोस्तों, यह सर्टिफिकेट किसके लिए दिया जा रहा है, किसके पर्पज से दिया जा रहा है, किसके उद्देश्य से दिया जा रहा है, एडमिशन इन नर्सिंग, एडमिशन इन नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है तो उसके पर्पज़ से ये बनाया गया है, उसकी पर्पज़ से दिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पर आपकी सारी इंक्वायरी की जाती है कि क्यों ले रहे हो आप, क्यों बनवा रहे हो आप मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप दे सकते हो, दिस सर्टिफिकेट इज बीन गिवन बाय गिवन टू हर द पर्पज ऑफ एडमिशन इन नर्सिंग। तो नर्सिंग के पर्पज से आप इसको बनवा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इसके सिग्नेचर है यहाँ पर, तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार आपको बनवाना है, तो ज़्यादा कुछ लोचा नहीं है दोस्तों इसका, बस सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, कोई भी हो मेडिकल ऑफिसर या कोई भी हो डॉक्टर हो, नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पर उसकी मोहर लग जाएगी दोस्तों हॉस्पिटल की। तो इस प्रकार आपको बनवा लेना है मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों। यहाँ पर जो जिस दिन आपने बनवाया उस दिन की डेट आ जाएगी। इस स्टूडेंट ने दोस्तों 5/2/2022 में बनवा लिया था, यानी 5 फरवरी 2022 को बनवा लिया था। तो इसका क्या है, अब
मान्य नहीं होगा जब तक आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग होगी, क्योंकि दोस्तों ये एक महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इसका एक महीने से पुराना हो जाएगा जब तक आपकी काउंसलिंग में जाओगे आप। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बनवाना है तो ज़्यादा कोई लोचा नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों, और कमेंट जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अगली वीडियो।